डर सब चीज खत्म हो चुका है, क्योंकि जब से वैक्सीन लगा है तो सबको लगा कि हम आप आजाद हो गए। मास्क काहे नहीं लगाए? मास्क कोरोना है नहीं तो मास्क क्यों लगाऊंगा जी? कोरोना नहीं, आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं? ये तो सही न्यूज़ पढ़ रहे हैं? लगा लेंगे, लगा लेंगे जी। अरे बताइए तो सही। मास्क वो तो आज पता चल रहा मुझे कोरोना कैसे आगे बढ़ गया है। जहां एक तरफ लोग कोरोना से बेपरवाह हो गए थे, लोगों में खुशी की लहर दौड़ उठती थी क्योंकि कोरोना केसेस में भारी गिरावट आई थी। यहां तक कि सरकार ने भी मास्क पर से प्रतिबंध हटा दिया था और जुर्माना भी हटा दिया गया था। लेकिन अब 11 हफ्ते की लंबी गिरावट के बाद एक बार फिर से कोरोना सर चढ़कर बोल रहा है। अब ऐसे में लोगों का इस पर क्या रिएक्शन है? एक बार मास्क लगाने लग गए थे लोग, फिर हटाया, अब फिर लगाने की बारी आ गई है। ऐसी स्थिति में लोगों में किस तरह का माहौल है? क्या लोग बेपरवाह हैं अभी भी या फिर सारे प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे हैं? आइए लोगों से ही बात करके जानने की कोशिश करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? लोकेश कुमार। अच्छा, तो मास्क क्यों नहीं लगाए हैं वैसे आप? मैम सॉरी बट अभी तो केसेस तो अभी कम हो गए थे, इस वजह से थोड़ा मुझे लगा। आपने न्यूज पढ़ रहे हैं अचानक से फिर से केसेस बढ़ने लग गए? बट अभी मैं देख नहीं रहा हूँ न्यूज, तो अभी कुछ कह नहीं सकते इसके वजह से। बाकी ठीक है, अच्छा बात, फिर मुझे लगाना चाहिए ऐसा लग रहा है मुझे भी। तो आपका क्या कहना है इस पर, अचानक से केसेस बढ़ने लग गए हैं? ये लापरवाही जैसे हम भी कर रहे हैं और भी कर रहे हैं। लापरवाही कर रहे हो, हंस के बता रहे हैं, क्या बात है? क्योंकि अब देखिए बोले ना बीच में भी कम हो गया था, अब अचानक से फिर अब बढ़ गया है तो क्या करिए, यही हम जैसे ही हो गया ना, हम जैसे आप जैसे हर कोई। मैं तो मास्क लगाई हूँ, मेरे जैसे मत बोलिए। अच्छा तो डर रह गया है कि डर खत्म हो गया है? डर सब चीज खत्म हो चुका है, क्योंकि जब से वैक्सीन लगा है तो सबको लग रहा है कि हम आप आजाद हो गए। लेकिन केसेस तो फिर भी बढ़ने, खतरा तो बना हुआ है। वही चीज है ना, तो फिर सब लापरवाही कर दिया अचानक से। तो आप मास्क आप लगाना छोड़ चुके हैं या फिर लगाते हैं? नहीं लगाते हैं अभी, जैसे नहीं कभी कभी ऐसा होता है ना, कभी कभी दम, अब मास्क हम कंटिन्यू नहीं लगा सकते, प्रैक्टिस नहीं है। अब गर्मी का समय है तो क्या होता है, पूरा गर्मियों से थोड़ा समझ रहे ना। चलिए कहाँ से है वैसे आप? यहीं से, नोएडा सेक्टर 37। अच्छा चलिए मास्क लगा लीजिए। चलिए और लोगों से, वैसे यहाँ पर काफी सारे लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, इधर चलते हैं। और भैया क्या नाम है? अरे नाम क्या है? मेरा नाम राहुल यादव। मास्क काहे नहीं लगाए? मास्क कोरोना है नहीं तो मास्क क्यों लगाऊंगा जी? कोरोना नहीं, आप न्यूज पढ़ रहे हैं? सुनिए तो सही, न्यूज पढ़ रहे हैं? लगा लेंगे, लगा लेंगे जी। अरे बताइए तो सही, बोलने में क्या दिक्कत है? न्यूज देखते हैं? ना जी ना, पढ़े ही ना, अनपढ़ जम तो। अच्छा न्यूज नहीं देखते हैं? आपको पता है फिर से केसेस बढ़ने लग गए? कोई बात नहीं, बढ़ना जी, बढ़ना तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, मरना आज भी कल भी है जी। ओ भाई क्या बात है, क्या बात कह दी भाई साहब ने, मरना आज भी है कल भी है, मत लगाओ यार मास्क, मरेंगे तो मर ही लेंगे। चलिए और लोगों से बात करते हैं। और भैया क्या हालचाल? सब बहुत मुस्कुरा रहे हैं? मुस्कुराहट में मजा है मैडम जी। अच्छा ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही है, हंसना मुस्कुराना चाहिए, लेकिन थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चीज के लिए? दोबारा से कोरोना बढ़ गया, केसेस देख रहे हैं दोबारा से बढ़ने लग गए। मैं न्यूज ही नहीं देखता हूँ, सांस फूल रहा हूँ, तुम्हें भी पता आपने लगा रखा होगा। सांस फूल रही लेकिन क्या करे, केसेस तो दोबारा बढ़ने लग गए। नाम का कोरोना है वो तो कहता और जिंदा रहो, मरो मत कहता। अच्छा कोरोना नाम का है, डर एकदम खत्म हो चुका है? डर खत्म है उसकी, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ज्यादातर लोगों पे डर खत्म हो गया है कोरोना का। कहीं ना कहीं अब लोगों को लगता है कि इतने ज्यादा लोग इरिटेट हो गए हैं कि लोग मास्क भी नहीं लगाना चाह रहे, लोगों का मानना है कि जैसे कोरोना खत्म ही हो गया है। चलिए एक दो लोगों से और बात कर लेते हैं। और भैया क्या नाम है आपका? संजीव। दुकान आपकी ही है? नहीं उसकी। अच्छा तो मतलब आप दुकान पर ही रहते हैं या फिर कुछ खरीदारी करने? खरीदारी करने आया। अच्छा खरीदारी करने आया है, तो मास्क वगैरह नहीं लगाते आप? अभी नहीं लगाया हूँ। आप न्यूज देख रहे हैं दोबारा से कोरोना केसेस बढ़ने लग गए हैं? पता पता। तो क्या कहेंगे इस बारे में, डर वर है? हाँ बिल्कुल डर है, लगाना चाहिए, सबको लगाना चाहिए। लगाना चाहिए तो वही बात होगी कि विमल खा के हम कहे विमल नहीं खाना चाहिए। आप मास्क नहीं लगाए हो, कह रहे लगाना चाहिए। रुमाल बांधते हैं, मास्क लगाते, रुमाल बांधते, रुमाल बांधते हैं। और भैया क्या नाम है आपका? राजन। तो दुकान आप ही? हाँ हमारी है। बड़े मुस्कुरा रहे हैं, मास्क क्यों नहीं लगाए वैसे एक बात बताइए। मास्क वो तो आज पता चल रहा मुझे कोरोना केस आगे बढ़ गया है। अच्छा आज पता चल रहा है, न्यूज वगैरह नहीं देखते हैं? नहीं इंस्टाग्राम चलाता हूँ बस। तो इंस्टा तो और ज्यादा अपडेट रहने लगा है, बता ही नहीं रहा हुआ उसमें, ये बता रहा है कि किसकी आईडी फॉलो करनी है, किसकी अनफॉलो। डर है कि अभी की खत्म हो चुका है कहीं ना कहीं? डर की चीज का कोरोना का बताइए। डर बहुत डर है, इनसे पूछे, ये न्यूज बहुत देखते हैं हमारे सर। डर इतना ज्यादा है कि मास्क गायब कर दिया है और हंस रहे हैं। ये देखो ना तो मास्क लगा कर ये मास्क भी लगाए हैं सर। सर क्या लगता है आपको,
कोरोना के जो केसेस दोबारा से बढ़ गए, क्या चिंता वाली बात है? हाँ, चिंता वाली बात है। तो सबको प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए। हाँ, मास्क लगाना चाहिए। चलिए, सबको एक बार कह दीजिए। अरे मास्क लगा लो, हेलो लोलू बोलू, लगा लो मास्क। कैमरे में देख के कह दीजिए कि सबको मास्क लगाना। मास्क लगा लो भाई। चलिए, बढ़िया बात है, खुद भी मास्क लगाए और औरों को भी कहे मास्क लगाने को, क्योंकि पूरी तरह से कहीं ना कहीं कोरोना अभी गया नहीं है, हमारे बीच में ही है। दोबारा से केसेस बढ़ने लगे हैं और बच्चे इसकी चपेट में बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की अभी भी जरूरत है। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी, भले ही कोरोना केसेस कम हो गए थे, जुर्माना हट गया था मास्क पर से, लेकिन फिर से केसेस बढ़ने लग गए, तो इसी सिलसिले में हमें सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है। आप भी सावधानी बरतिए, अपने आसपास के लोगों को भी कहिए, और जो डर लोगों में से कहीं ना कहीं खत्म हो गया है, इसको एक बार ध्यान देने की जरूरत है। सभी को प्रोटोकॉल्स का पालन करना चाहिए। मेघा गंगवार, कैमरामैन हर्ष के साथ, वी नेशन, नोएडा।